मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के श्रमिक जो लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं उनकी घर वापसी के लिए अहम फैसला लेते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को स्पेशल ट्रेन द्वारा छत्तीसगढ़ लाने पर उनके यात्रा किराए का व्यवहार राज्य सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य के परिवहन आयुक्त ने रेलवे के डिविजनल मैनेजर को छत्तीसगढ़ श्रमिकों को लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई के लिए लिखा पत्र। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने लगातार ड्यूटी कर कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे पुलिस कर्मियों के निःशुल्क नाश्ता, दोपहर और रात्रि के भोजन की पूर्व स्वीकृति दरों में वृद्धि करने के निर्देश गृह विभाग को दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर त्वरित अमल करते हुए गृह विभाग द्वारा इनमें बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर देश भर में विभिन्न राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के प्रवासियों, छात्रों, मजदूरों, पर्यटकों, श्रमिकों को सहायता प्रदान करने के लिए और आम जनता की सुविधा के लिए पंजीकरण फार्म बनाए गए हैं। राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना के तहत 3,000,536 रुपए की लागत के 870 किलोमीटर लंबाई की 25 सड़कें स्वीकृत की गई हैं। लोक निर्माण मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू के निर्देश पर इनमें से 1,000,887 रुपए की लागत के 705 किलोमीटर लंबाई की 20 सड़कों के निर्माण का कार्यादेश जारी हो चुका है। साथ ही इसके तहत सड़क निर्माण के बाद 5 वर्षों तक सड़कों के संधारण का दायित्व ठेकेदार का होगा और मुख्य गाँव में बस शेल्टर, सोलर स्ट्रीट लाइट और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि खरीफ सीजन के लिए किसानों को अग्रिम रूप से खाद बीज का उठाव करने के लिए प्रेरित किया जाए। साथ ही खेती किसानी के लिए किसानों को मिलेगा 4,600 करोड़ रुपए का ऋण। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने गत दिवस अपने निवास कार्यालय में सहकारिता और मार्कपैड विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर आगामी खरीफ सीजन के लिए तैयारियों की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर अशासकीय विद्यालयों के लिए फीस विनियमन प्रारूप पर 15 मई तक सर्वसाधारण से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इस संबंध में मंत्रिपरिषद की उप समिति की बैठक में निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्यों से आने वाले मालवाहक ट्रकों को रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ही मिलेगी शहर के अंदर प्रवेश की अनुमति। साथ ही अन्य राज्यों द्वारा जारी अंतर्राज्यीय पास को जब तक छत्तीसगढ़ द्वारा मान्यता नहीं दी जाती तब तक छत्तीसगढ़ में प्रवेश नहीं मिलेगा। इस संबंध में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू ने आज रायपुर स्थित चिप्स कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में राज्य में शासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए संग्राहकों द्वारा तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य शुरू कर दिया गया है। उन्होंने संग्रहण में तेंदुपत्ता की अच्छी गुणवत्ता पर भी विशेष रूप से ध्यान रखने के लिए निर्देशित किया है। साथ ही राज्य में चालू सीजन के दौरान अब तक विभिन्न वन मंडलों में 20,560 मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण हो चुका है। कोरोना महामारी के चलते देशव्यापी लॉकडाउन के कारण जहां एक तरफ आर्थिक गतिविधियां ठप हैं, वहीं बीजापुर जिले में गांव के मनरेगा से बनी हितग्राही मूलक परिसंपत्तियां, कुएं, डबरी, निजी तालाब, पशु शेड और कंपोस्ट पिट ग्रामीणों की आजीविका उपार्जन का जरिया बने हुए हैं। साथ ही लॉकडाउन के इस कठिन दौर में भी उनकी कमाई अप्रभावित है और वे निर्बाध रूप से जीविकोपार्जन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज 4 मई को छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की स्थिति। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 58 केस पाए गए हैं जिनमें से 36 ठीक हो चुके हैं और 22 कोरोना पॉजिटिव हैं।